नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा, आपका मेरे चैनल गागा हेल्थ में स्वागत करती हूँ। तो एक पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मदर का जो मिल्क होता है वो अगर कम आता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि मदर का मिल्क कम आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मदर को ऐसा क्या खाने में दें जिससे अगर किसी मदर का मिल्क कम आ रहा है तो वो बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल चीज़ें बताऊंगी मैं कि अगर किसी मदर का मिल्क कम आ रहा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी डाइट पे ध्यान देना है कि बैलेंस डाइट ले रही है क्या, अनफ मिल्क ले रही है क्या, अनफ बाकी सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन है वो ले रही है क्या, और वाटर अच्छे से ले रही है क्या। ठीक है, सेकंड चीज़ देनी है कि जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो दूर करना है। मान लो कि कोई फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर कुछ और चीज़ का स्ट्रेस ले रही है या फिर बेबी को कुछ इशू है उसका स्ट्रेस ले रही है, तो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट की वजह से मदर में फीड कम हो जाता है, तो वो सेकंड वो चीज़ का करनी है। ठीक है, थर्ड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कम आ रहा है, मिल्क कम आ रहा है, तो जो पंप है, इलेक्ट्रिकल पंप होता है या फिर इलेक्ट्रिक पंप होता है या फिर मैनुअल पंप होता है, उससे आप बीच बीच में पंप करके देख सकते हो, या फिर जैसे बच्चे ने पी लिया है तो उसके बाद पंप कर सकते हो। उससे क्या होता है कि एक स्टिमुलेशन जाएगा ब्रेन को और फिर वो और दूध बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, फोर्थ थिंग आपको लैचिंग देखनी है कि प्रॉपर लैच कर रहा है क्या बच्चा, क्योंकि कई बार होता है मदर में मिल्क बनता है बट लैचिंग में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से फिर बच्चा पी नहीं पाता है और वो वापस चला जाता है, दूध रिवर्ट बैक कर जाता है। ठीक है, और फिर दूध बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें हैं आपको चेक करनी है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आप जो न्यूली मदर बनती है उसको खाने में ऐसा क्या दें जिसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ होती है वाटर। ठीक है, पानी और दूध किसी भी फॉर्म में दो, आप दूध दो, जूसेस दो, सूप दो, कोकोनट वाटर दो, किसी भी फॉर्म में दो, बट पानी एटलीस्ट 2 to 3 liters पानी डेली उसको पिलाना है मदर को। ठीक है, इनिशियली होता है कि कई बार होता है, कई फैमिलीज़ में होती हैं कि पानी नहीं देना, ऐसा नहीं होता है, बच्चे को नहीं देना है, मदर को पानी खूब सारा देना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको बैलेंस डाइट रखनी है बहुत ही अच्छे से, सब कुछ होना चाहिए उसमें, रोटी होनी चाहिए, मल्टीग्रेन या फिर जो भी आप यूज़ लेते हो वो ले सकते हो, सब्जी होनी चाहिए, कर्ड होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, फ्रूट्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। थर्ड जो है वो होता है आपका सिसमे, जो जिसको तिल बोलते हैं। ठीक है, अपने तिल के लड्डू भी खाते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद में, तो तिल आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, तिल के लड्डू ले सकते हो, तिल को सेक के वैसे ले सकते हो, तिल को रोटी आटे में डाल के गूंद के वैसे खा सकते हो। तो तिल बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है दूध बढ़ाने के लिए। ठीक है, खाने में जो सेकंड आपको लेना है वो लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो विटामिन्स होते हैं उनमें, न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं मल्टीविटामिन्स काइंड ऑफ होती है कि आप मल्टीविटामिन खा रहे हो अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हो तो। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करती है माँ का दूध बढ़ाने में। ठीक है, थर्ड जो खाने में आपको ध्यान देना है वो आप ले सकते हो मेथी, फेनुग्रीक। ठीक है, मेथी भी बहुत अच्छा सोर्स होती है दूध बढ़ाने के लिए, हेल्प करती है मदर को, लैक्टोबैक्टर होती है। ठीक है, फोर्थ चीज़ होगी सौंफ। सौंफ भी मानते हैं कि अगर आप सौंफ खाते हो, पोस्ट प्रेगनेंसी सौंफ खाते हो, तो वो मदर फीड बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, फिफ्थ हो गया जीरा, जो हमारे घर में कुमिन जीरा यूज़ लेते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, या तो भून के पीस के पाउडर बना के मतलब कर्ड में डाल सकते हो, या फिर जीरा पानी पी सकते हो, इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हो जीरे को। ठीक है, फिफ्थ हो गया अजवाइन। ठीक है, अजवाइन के आप लड्डू बना सकते हो। ठीक है, अजवाइन और बहुत सारे तरीके होते हैं, घरेलू तरीके होते हैं जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। ठीक है, बट अजवाइन जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है दूध बढ़ाने के लिए। ठीक है, सिक्स्थ हो गया ऑलमंड। ठीक है, बादाम। ठीक है, बादाम वैसे भी अच्छा ही होता है बट दूध बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। ठीक है, सेवन्थ हो गया लेंटिल्स, जो दालें होती हैं। दालें ऐसे नहीं है कि ओनली चने की दाल खानी है, दालें बहुत सारी, लाल मसूर हो गया, ब्लैक मसूर हो गया, और बाकी सारी जो दालें होगी, सोयाबीन हो गया, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का।
तो प्रोटीन जो होता है वो मदर को हील करने में भी हेल्प करता है, इवन टाँकों में भी हील करने में हेल्प करता है। और वैसे भी बॉडी को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है, प्लस साथ में दूध भी बढ़ाता है। ठीक है, उसके अलावा लेंटिल्स के अलावा पनीर, टोफू और जो सोया पनीर होते हैं, ठीक है, जो पनीर के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी मदर को देने, वो भी बहुत हेल्प करते हैं इसको दूध को बढ़ाने में। ठीक है, तो एक और चीज़ होती है तुलसी बेसिल जो हम यूज़ करते हैं, तुलसी भी काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है दूध बढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मल्टीग्रेन्स में ओट्स हो गए, ठीक है, रागी हो गया, ये बाकी मल्टीग्रेन आटे में बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, जो हो गया, इन सब का आटा आप मिक्स करके यूज कर सकते हो। तो जो इससे क्या होगा कि आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ये सारे लैक्टोगॉक्स होते हैं, लैक्टोगॉक्स मतलब दूध बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्टीग्रेन आटे के अलावा आपको अगर राइस खाने हैं तो आपको ब्राउन राइस काम में लेने हैं, क्योंकि ब्राउन राइस जो होता है वो भी लैक्टोगॉक्स की तरह काम करता है बहुत अच्छे से, और दूध मदर का दूध बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह आपको लेनी ही है। ठीक है, और जनरल चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो सारा करना ही है। उसके अलावा आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, नॉनवेज खाते हो, तो सालमन बहुत अच्छा लैक्टोगॉक्स होता है, सालमन आप ले सकते हो तो सालमन लीजिए। इसके अलावा चिक पी जो होता है, मतलब जो मटर होता है, सूखा हुआ मटर होता है या फिर गीला मटर, जो भी आप खा सकते हो, हरा मटर वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो फूड्स होते हैं ये लैक्टोगॉक्स होते हैं, मतलब दूध बढ़ाते हैं माँ का। ठीक है, तो ये सारा आप दे सकते हो, बट इस ये सारा सब कुछ बैलेंस्ड डाइट में देना है। ऐसे नहीं है कि ये मतलब कुछ कुछ चीज़ें एक्सेस में दे दी है, कुछ बिल्कुल ही नहीं दी है। सब पोस्ट डिलीवरी मदर को 650 किलो कैलरी ज़्यादा चाहिए होता है खाने में। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आप उसका खाना कम कर दो, क्योंकि ये बहुत देखा है मैंने इंडियन फैमिलीज़ में। फिर मदर मेरे पास आती है कि हमें खाने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ज़्यादा खाएंगे तो टांके पक जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए, प्लीज़ उसको पूरा बैलेंस डाइट दीजिए, जितना वो खा पाती है, जितना वो उसको मन है उतना, और जो उसको मन है वो खाने दीजिए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं सिजेरियन में, वो आपका डाइटिशियन आपको बता देगा। ठीक है, अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी में आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ मतलब सब कुछ खा सकते हो। ठीक है, तो ये हुई आज के वीडियो की जानकारी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हमारे जो अदर हैंडलर्स हैं उस पर आप जा सकते हो, हमने वेबसाइट भी शुरू की है babynama.com, तो वहाँ पर आप जाइए, अपने बच्चे के ग्रोथ, वैक्सीनेशन और न्यूट्रिशन को ट्रैक कीजिए। आप बच्चे को देख सकते, बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन भी ट्रैक कर सकते हो कि बच्चा कब चलना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब उठना चाहिए। बाकी आप उसका ग्रोथ चेक कर सकते हो वेट हाइट डाल के। तो ये हमने शुरू किया है, तो आप प्लीज़ उस पर ज़रूर जाइए, देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे babynama HQ के नाम से वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको रील्स फॉर्म में मिलेगी, पोस्ट स्टोरी फॉर्म में मिलेगी या पोस्ट फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो और या सो ठीक, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।